के सोने का समय है, तब आपका भाई शिव शुरू कर रहा है। ट्रेलर चेंज वाली जगह में तो मैं आ गया हूँ। ये देखिए भाई कितनी बड़ी पार्किंग है, यहाँ पर पीछे वेयर हाउस है। कोई फ्रेश हो गया, नहा लिया, खाना खा लिया और सारे काम सेट हो गए भाई, तो बाहर करते हैं भाई मेन रोड ज्वाइन। तो यार कई बार ना थोड़ा बहुत दिमाग लगाने से अपने काम बन जाते हैं। तो गाड़ी खाली करके तो मैं वहां से निकल गया हूँ और अब ढूंढ रहा हूँ भाई पार्किंग। मेरे को यहाँ पर भाई पुलिस वाले मिल गए थे चेकिंग के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है भाई सब ठीक होंगे। दोस्तों रात के 1 बज गए हैं और जैसे मैंने बताया था कि रात को 1 बजे मैं यहाँ से शिफ्ट करूंगा, और भाई जैसे मैं अभी सो के उठाना तो एक नई बात हो गई। ये देखिए भाई रात के 1 बज गए हैं और यार भाई कंपनी वालों ने एक नया ही सांप निकाल दिया। ये देखिए मेरे सारे टास्क डिलीट हो गए ना भाई। ट्रेलर चेंज का टास्क है और उसको अनलोड करने के लिए जाना है पोलैंड। जैसे मैंने रात को आपको बताया था कि मेरी लोडिंग है स्लोवाकिया से और अनलोडिंग जाना है स्वीडन। और भाई मुझे निकलना था, अभी शिफ्ट स्टार्ट करनी थी, लेकिन भाई मेरा टास्क सारा चेंज हो गया। उसके बाद मुझे कॉल आया और उन्होंने बताया कि आपको ट्रेलर चेंज करना है और उसको पोलैंड खाली करना है। तो भाई कुछ नए से नए सांप निकल रहे हैं। अभी 1 बज गए हैं और 3 बजे का मेरा ट्रेलर चेंज का टास्क है। तो यहाँ से मुझे लगभग 50 किलोमीटर जाना है और उसके बाद 350 किलोमीटर पोलैंड के लिए सफ़र करना है। तो अभी 1 बज गया है रात का, तो भाई मैं आधे घंटे में यहाँ से अपना शिफ्ट स्टार्ट कर लूँगा। और ट्रेलर चेंज करने में आपको पता है कि यार आधा एक घंटा लग ही जाता है, तो पेपर वर्क कर लेते हैं अभी यहीं से ताकि वहाँ पर जल्दी से अपना ट्रेलर चेंज हो जाए। तो भाई अब सारा सिस्टम चेंज हो गया है, सारी जो मेरी प्लानिंग है सब चेंज हो गई है। फिलहाल यहाँ से कर रहा हूँ शिफ्ट स्टार्ट ट्रेलर चेंज की और फिर देखते हैं अनलोडिंग का। तो दोस्तों गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है और भाई गाड़ी का इंस्पेक्शन हो गया। तो कुछ ये हाल है भाई बाहर का, देखिए एकदम कैसा सन्नाटा छाया हुआ है। और मैं भाई अपनी यहाँ से अभी शिफ्ट शुरू कर रहा हूँ, तो निकलते हैं, एक बार करते हैं मेन रोड ज्वाइन। लगभग 50 किलोमीटर ही अपना ट्रेलर चेंज होगा, वहाँ से निकलना है भाई सीधा पोलैंड अनलोडिंग के लिए। तो यार सफ़र शुरू करने के लिए भाई सब सेट हो गया है, नेविगेशन अपनी सेट हो गई है। यहाँ से 46 किलोमीटर जाना है चेंज करने के लिए, मेन रोड ही है। यहाँ से 1 नंबर रोड से जाऊँगा और वहाँ से दूसरा हाईवे पकड़ के कहीं वहाँ पर साथ में ही है। तो ये देखो यार भाई हाईवे भी एकदम सुनसान पड़ा है। जब लोगों के सोने का समय है तब आपका भाई शिफ्ट शुरू कर रहा है। ये पता नहीं क्यों मेरे साथ ही होता है, पिछली 45 घंटे की शिफ्ट के बाद भी भाई ऐसा ही होता है। रेस्ट के बाद मेरी जो शिफ्ट है भाई वो उल्टे टाइम पे ओपन हुई थी और आज भी ऐसा ही हुआ। भाई मैं रुका था 24 घंटे की रेस्ट के लिए था, लेकिन देखिए 50 घंटे की रेस्ट होगी। रेस्ट तो अपने को अच्छी खासी मिल गई, लेकिन भाई शिफ्ट अपनी हो रही है बेटाइम शुरू। तो अब फिर भी इस शिफ्ट को करना पड़ेगा बाद में कुछ जुगाड़ लगा के स्प्लिट। यार सफ़र तो शुरू कर दिया है, बस अपने को बंदा सही मिल जाए और ट्रेलर सही मिल जाए, क्योंकि हमेशा रात को ही ट्रेलर चेंज करने को मिलते हैं। भाई रात को ट्रेलर चेंज करना मैंने हमेशा बताया बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भाई रात को ना आपको डेंट वगैरह या कुछ अच्छे से इंस्पेक्शन नहीं होती है, वो एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है। बट चलो मिलते हैं अब नए बंदे से। दोस्तों ट्रेलर चेंज वाली जगह में तो मैं आ गया हूँ। ये देखिए भाई कितनी बड़ी पार्किंग है, यहाँ पर पीछे वेयर हाउस है, कोई बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पर गाड़ियाँ तो बहुत खड़ी है। ये अपनी गाड़ी लगा दी है, बट यार जिसके साथ मुझे ट्रेलर चेंज करना है वो मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है यहाँ पे। भाई मैंने उसको कॉल भी किया लेकिन बंदे ने कॉल भी नहीं उठाया, और ना ही तो मुझे उस नंबर का यहाँ पर ट्रेलर मिल रहा है। अब घूमता हूँ एक बार जरा पूरी पार्किंग में, अगर वो फ़ोन ना उठाए तो भाई बात हो जाती। तो दोस्तों ट्रेलर तो अपने को यहाँ पर नहीं मिला, मैंने पूरी पार्किंग चेक कर ली है। अब उस बंदे ने फ़ोन उठाया है और भाई बाई चांस वो बंदा है पाकिस्तानी, जो ड्राइवर है उसमें वो पाकिस्तानी ड्राइवर है, और वो बोल रहा है कि मैं कहीं पीछे डीजल भरवा रहा हूँ और वहाँ से सफ़र है लगभग 88 किलोमीटर्स का। तो मतलब अभी उनकी 30 मिनट की ब्रेक है और भाई लगभग 1.25 घंटा उनको लग जाएगा सफ़र में यहाँ तक आने के लिए। तो मतलब अपने को 1.5-2 घंटे यहीं पर वेट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ट्रेलर चेंज और ये सारी प्रक्रिया होगी। तो भाई तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और अपने को अच्छा खासा रेस्ट मिल जाएगा, फिर देखते हैं ट्रेलर चेंज करने का। तो दोस्तों 2 घंटे के इंतज़ार के बाद अब जाके भाई वो गाड़ी आई है और इसमें भाई अब अपना ट्रेलर चेंज होगा इसके साथ। तो भाई की गाड़ी पीछे लगवाते हैं एक बार में। तो दोस्तों ये अपनी गाड़ी खड़ी है और ये भाई साहब अभी पहुंचे हैं, सुबह के 4 बज गए हैं और अब जाके अपना ट्रेलर चेंज होगा। ट्रेलर तो मुझे लग रहा है नया ही यार, ट्रेलर तो ठीक है बस, और भाई साहब के पास लोड भी अच्छा खासा है। लोड यहाँ से लगभग इसमें लगभग 24 टन लोड है भाई। तो अब सबसे पहले यार ट्रेलर चेंज कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों पेपर वर्क हो गया अपना, वो भाई ने भाई अपना ट्रक अलग कर दिया है ट्रेलर वहाँ पे, और मैंने भी कर दिया है अपना ट्रेलर वहाँ अटैच करते हैं।
दोस्तों आधे घंटे की मेहनत के बाद ट्रेलर चेंज कर लिया है भाई। मैंने कर लिया है लोड वाला ट्रेलर कनेक्ट और भाई को दे दिया अपने वाला ट्रेलर। तो भाई यहाँ से अब सफर शुरू करते हैं। सुबह के बज गए हैं 5। अभी बाहर देखिए दिन भी निकलने को आ गया है, दिन निकल गया है भाई, लगभग समझिए सुबह हो गई है। तो यहाँ से सफर शुरू करते हैं। सफर है मेरा यहाँ से 350 किलोमीटर पोलैंड के लिए, जहाँ पर होगी अपनी अनलोडिंग। तो यहाँ से फिलहाल निकलते हैं, बाकी देखते हैं कहीं आगे रुक के कहीं नहाने का जुगाड़ मिल जाए तो पेट्रोल पंप पे रुक के अपने सारे काम निपटा लेंगे। तो मित्रों सफर हो गया है शुरू, मेन रोड ज्वाइन कर लिया है भाई। अपना सफर पूरा ये D1 पे रहेगा और फिर एंटर करेंगे पोलैंड। पोलैंड में A1 पे सारा सफर रहेगा। लास्ट में शायद 1-2 किलोमीटर है अपना थोड़ा सा जो अनलोडिंग लोकेशन के पास में। अपने पास आज भी भाई मटेरियल है बल्दा आइकिया का, बट आज लोड थोड़ा ज़्यादा है। आज है गाड़ी में भाई 24 टन लोड, तो बट अपने पास टाइम बहुत है, टाइम है। बीच में रास्ते में देखते हैं कहीं अच्छे से पेट्रोल पंप जहाँ पर अपना नहाना धोना हो सके बढ़िया, ब्रेकफास्ट करके बाकी रिमेनिंग किलोमीटर करेंगे। मुझे यार अभी फ्यूलिंग भी करनी है, लेकिन मेरा फ्यूलिंग वाला टास्क डिलीट कर दिया है। तो एक बार फिर से मैनेजर को लिखते हैं कि भाई फ्यूलिंग का कुछ दे दो हमें टास्क, ताकि रास्ते में कहीं फ्यूलिंग भी कर सकें। तो भाई इस पेट्रोल पंप से मैंने सुबह शिफ्ट शुरू करी थी रात को 1 बजे। यहाँ से मैं गया था इस ट्रेलर को चेंज करने और फिर से इसी रास्ते में आया हूँ। ये रास्ता सीधा निकलता है पोलैंड बॉर्डर के लिए कटवाइस, वहाँ से फिर अगला सफर पोलैंड में रहेगा अपना। दोस्तों सफर अपना हो रहा है जी चेक रिपब्लिक से पोलैंड बॉर्डर की तरफ। पोलैंड का बॉर्डर रहता है यहाँ से 5 किलोमीटर, तो लगभग भाई 70 किलोमीटर का सफर था अपना चेक रिपब्लिक में। और अभी एंटर कर जाएंगे पोलैंड में। सुबह सुबह का टाइम है तो भाई एकदम धूप सामने है। तो दोस्तों ये आ गया जी पोलैंड बॉर्डर, पीछे छूट गया जी चेक रिपब्लिक और यहाँ से शुरू हो गया है पोलैंड। तो बाय बाय चेक रिपब्लिक और वेलकम टू पोलैंड। ये देखिए यहाँ लगा है बोर्ड और आगे वही एक पार्किंग बनी है, पार्किंग में गाड़ी को लगा लेते हैं, टैगो कार्ड पे कर लेते हैं कंट्री बिगिन और भाई फिर रखेंगे कंटिन्यू सफर। आगे देखते हैं कहीं पेट्रोल पंप जहाँ पर अपने को बढ़िया सुविधा हो रुकने के लिए। तो यार मैं अपना पहला ट्रिप पोलैंड से लोड करके आया था, जिसको इडली खाली किया था, और उसके बाद भाई मैं दूसरी तरफ ही इतने दिनों से था। आज लगभग 24-25 दिन के बाद पोलैंड की तरफ आया हूँ यार। कंट्री बिगन कर ली है, अब देखते हैं कहीं आगे आने वाला पेट्रोल पंप, क्योंकि वहाँ पे रुक के ना थोड़ा सा अपना फ्रेश अप हो लेते हैं और साथ में भाई मैनेजर का आने का इंतज़ार करते हैं कि वहाँ पर समय हो जाए मैनेजर के आने का। तो अपने को एक फ्यूलिंग टास्क चाहिए, क्योंकि यार फ्यूलिंग भेज रहे हैं भाई 100 लीटर 200 लीटर की ऐसी फ्यूलिंग भेज रहे हैं, अब बार बार कौन फ्यूलिंग करे। इससे अच्छा कि अपने मैनेजर से एक बार में फ्यूलिंग का टास्क लेकर भाई टैंक फुल कर लेते हैं। अभी अपना सफर रहेगा भाई A1 पे ही लॉर्ड्स की तरफ, कटोवाइस वगैरह ये सब साइड में रह जाएंगे, हम जाएंगे लॉर्ड्स की डायरेक्शन में A1 रोड पे। तो दोस्तों लोडिंग लोकेशन से लगभग 100 किलोमीटर का सफर कर लिया है और अभी एक पेट्रोल पंप की पार्किंग में आया हूँ। यहाँ पर देखते हैं यार सबसे पहले नहाने का, और फिर यहाँ पर नहा के देखते हैं फिर ब्रेकफास्ट का, ब्रेकफास्ट कर लेंगे, नहाने का जुगाड़ एक बार पता करते हैं। यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है और भाई साथ में है KFC, तो देखते हैं कहाँ जुगाड़ बनता है अपना नहाने का। नहाने को हो जाएगा तो बढ़िया अपना दिन निकल जाएगा। और साथ में भाई फ्यूलिंग के लिए मैनेजर को बोल देते हैं कि फ्यूलिंग की चाहिए भाई, तो फ्यूलिंग का टास्क भेज दो जो ऑन द वे हमें कहीं अच्छी जगह फ्यूलिंग मिल जाए भाई। वो पीछे है पेट्रोल पंप और इधर को है पार्किंग और इधर है भाई KFC, तो यहाँ पर भाई टॉयलेट्स बाथरूम बने हैं और यहाँ पर मेरे को मिल गया है जुगाड़ नहाने का। तो भाई अपना फटाफट 5 मिनट में नहा लेते हैं और फिर करते हैं ब्रेकफास्ट। दोस्तों 5 मिनट लगे और अपना शावर कम्प्लीट भाई। ये चीज़ का ना पोलैंड में बहुत बढ़िया मज़ा है, पोलैंड में शावर इजीली मिल जाते हैं पेट्रोल पंप से। और जैसे आपने देखा स्पेन में भी, इटली, मतलब कुछ कंट्री में ना ये इजीली भाई आपको शावर वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी बढ़िया भाई इसी पंप में रुका और यहीं पे शावर मिल गया, तो बढ़िया भाई सुबह का नहाना हो गया। अब ब्रेकफास्ट करके फिर अपना सफ़र करते हैं फिर से शुरू। वरना पीछे पेट्रोल पंप पे जाएंगे यार, पीछे से कुछ सामान देखते हैं, दूध लेके आएंगे तो मिल जाए तो बढ़िया है। दोस्तों ऐसे लगाने पड़ते हैं जुगाड़, जब अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ करनी हो ना तो भाई जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो मैंने जैसे बताया कि जब भी भाई कंपनी में जाओ लोडिंग अनलोडिंग के लिए, तब अपनी ज़रूरत की चीज़ देखो, पेट्रोल पंप पे जा रहे हो तो वहाँ पर अपनी ज़रूरत की चीज़ देखो। सबसे पहले भाई अपना काम निपटाओ, अपने सही रहो, पंक्चुअल रहो, नहाना धोना खाना पीना सब अच्छे से होना चाहिए, तभी आप भाई लॉन्ग टर्म ये काम कर पाओगे। दोस्तों बाकी काम सारे हो गए हैं और अब करते हैं ब्रेकफास्ट। भाई रात को भी मैंने खाना नहीं खाया था तो अभी लग रखी है भूख, करते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ,
सेक के तैयार, और साथ में भाई आपने देखा कल मैंने आलू की सब्जी बना के रखी है, तो उसको थोड़ा सा गर्म करके अपना ब्रेकफास्ट हो जाएगा। बाकी यार अनलोडिंग के बाद देखते हैं वहाँ पर थोड़ा सा कि अगर मार्केट मिल जाए कहीं सुपरमार्केट, तो वहाँ पर ना कुछ ग्रोसरी का सामान खरीदना है, क्योंकि ग्रोसरी मैंने कई दिनों से बता रहा हूँ कि ग्रोसरी मेरी खत्म हो गई है, तो कहीं जुगाड़ नहीं लग रहा है, तो अभी जाके वहाँ पर जहाँ अनलोडिंग होगी वहाँ पर जुगाड़ लगाते हैं। फ्रेश हो गए, नहा लिया, खाना खा लिया और सारे काम सेट हो गए भाई, तो बाहर करते हैं भाई मेन रोड ज्वाइन A1 टूवर्ड्स लॉर्ड्स। तो यहाँ से सफर अपना रहेगा 160 किलोमीटर का अनलोडिंग के लिए, तो वही सफर कवर कर लेते हैं। अभी मेरी अनलोडिंग है 1:30 बजे की और अभी बजे हैं सुबह के 9, तो कंपनी के नियर बाई कहीं पहुंच के वहां पर आराम से रेस्ट करते हैं और जब टाइमिंग होगी तो वहां पर चले जाएंगे अनलोडिंग के लिए। तो दोस्तों सफर जारी लगातार पोलैंड के हरे भरे खेतों से होते हुए, अभी अपना सफर रह गया है भाई यहाँ से 65 किलोमीटर का। तो भाई थोड़ा सा 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर में अगर अपने को कंपनी के नियर बाई पंप मिल जाए ना, तो वहां पर गाड़ी को पार्क कर लेंगे और वहां पर भाई 1 घंटा अपने को मिल जाएगा थोड़ा सा और आराम करने का। तो यार सफर करने का ना बहुत मजा आ रहा है, एक तो रोड बहुत अच्छा है, बीच में थोड़ा सा रोड था भाई हम्पी रोड था, बहुत से हम्प थे उसमें, तो एकदम भाई गाड़ी ऐसे 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 चल रही थी, तो बहुत A1 रोड पे जो भाई आ रखे होंगे उनको पता होगा कि A1 रोड पे कैसे भाई हम्प है, बट चलो वो तो निकल गया है पैच। एंड बहुत अच्छे रोड है यार, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है काफी दिनों के बाद। और भाई इसमें ना बीच बीच में कोई कोई गाँव आ रहे, बाकी तो इलाका मोस्टली खाली है, ये देखिए पूरा जंगल से भरा पड़ा है, घास के मैदान है, बीच में कोई गांव आ रहे हैं, बाकी तो भाई एकदम खाली खाली। और भाई पोलैंड के रोडों में ना एक और चीज अच्छी लगी मुझे कि भाई ऐसी पार्किंग ना आपको हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाद मिल जाती है, पार्किंग आपको मिलती रहती है, लेकिन भाई यहाँ पर पार्किंग तो भाई दिन में मिल जाती है, लेकिन भाई अगर रात को आप कोई बेटाइम अगर पार्किंग सर्च करने की कोशिश करो ना, तो भाई यहाँ पर भी यही हाल है, यहाँ पर भी फिर पार्किंग मिलना एक असंभव सी बात है। वैसे तो रोड साइड पे आपको पार्किंग बहुत मिल जाएगी, लेकिन भाई गाड़ी को पार्क करने के लिए जगह बहुत कम मिलती है फिर अगर आप शाम को 5-6 बजे के बाद ट्राई करोगे, बट हाँ चलो कि यहाँ पर ऐसा है कि पार्किंग मिल ही जाती है। तो यार भाई पार्किंग के चक्कर में मैं आ गया हूँ बिल्कुल कंपनी के नजदीक में, 6.5 किलोमीटर रह गया है अनलोडिंग लोकेशन, और भाई यहाँ पर मेरे को ना पार्किंग ही नहीं मिली, काफी टाइम से देख रहा था कि पार्किंग मिले, लेकिन लास्ट में आके भाई यहाँ पर पार्किंग ही नहीं मिली। अब देखते हैं कहीं कंपनी के नियर बाय जाके ही कहीं कंपनी के पास में पार्किंग मिल जाए तो बढ़िया है। भाई कभी कभी किस्मत ना साथ दे जाती है, मुझे जस्ट पीछे से भाई यहाँ से 100 मीटर पीछे से राइट लेना था और मुझे लेफ्ट की तरफ उधर अपनी अनलोडिंग लोकेशन है, तो यहाँ सामने भाई अपने को एक शेल का पंप दिख गया है, तो वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर गाड़ी को पार्क करते हैं और फिर कहीं आगे से यू टर्न लेके अपने प्रॉपर टाइम पे भाई अनलोडिंग के लिए निकल जाएंगे। तो ऐसे कई बार जुगाड़ लगाना पड़ता है और कई बार भाई अपनी किस्मत साथ दे जाती है। तो यार कई बार ना थोड़ा बहुत दिमाग लगाने से अपने काम बन जाते हैं, तो मेरे को ना वहां से भाई 100 मीटर पीछे से टर्न लेना था, लेकिन सामने पेट्रोल पंप था, तो मैं अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे आ गया। यहाँ पर देखिए बढ़िया खुली पार्किंग है, ये भाई शेल का पेट्रोल पंप है और यहाँ पर पार्किंग भी बहुत अच्छी है, और वो सामने देखिए वहां से मुझे टर्न लेना था, वो पीछे टर्न है भाई, और मुझे उस डायरेक्शन में जाना था, उधर अपनी अनलोडिंग है कहीं 2 किलोमीटर पे, तो ये अपने यहाँ पर अभी 2-2.5 घंटे हैं अपने पास, यहाँ पर आराम से रेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ से आगे 2-3 किलोमीटर आगे से भाई यू टर्न लेके फिर से अपने डायरेक्शन में चले जाएंगे जहाँ पर गाड़ी अनलोड होगी। तो यार जैसे मैंने बताया ना गाड़ी की अनलोडिंग है भाई 1:30 बजे का जो टाइमिंग है, लगभग 1 बजे कंपनी में पहुँच जाएंगे और तब तक यहाँ पर आराम करते हैं और कुछ प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट की क्या प्रोग्राम रहेगा। और यार वेदर यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया, वैसे तो दिन में गर्मी है ऑलमोस्ट, बट अभी नहीं है, अभी तो भाई यहाँ पर क्लाउडी मौसम है और हवा ठंडी चल रही है बढ़िया। तो दोस्तों उस पेट्रोल स्टेशन से भाई मैं आ गया था अनलोडिंग लोकेशन के लिए, तो ये है अनलोडिंग लोकेशन आइकिया और सामने है भाई सिक्योरिटी चेक, तो वहाँ पर जाके मैंने CMR दे दिया है, उन्होंने बोला है कि गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा लो, वो कॉल करेंगे और फिर जाएंगे भाई अनलोडिंग के लिए जैसे ये गाड़ियाँ जा रही हैं, तो एक बार चलते हैं पार्किंग में, वहाँ पर ज़रा गाड़ी को पार्क करके रख लेते हैं, फिर देखते हैं कब तक कॉल आती है। तो दोस्तों 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद भाई अब जाके अपने को डॉक्यूमेंट मिले हैं, 213 नंबर रैंप पे जाना है खाली करने के लिए, और अपने पास ना यार भाई मेरा शिफ्ट टाइम और मेरा ड्राइव टाइम खत्म हो रहा है, ये एक गड़बड़ हो गई है, फटाफट लेके चलते हैं गाड़ी को अनलोडिंग के लिए। भाई ये देखिए मेरे पास ना 1:50 मेरा ड्राइव टाइम है और मेरा शिफ्ट टाइम भी यही है भाई, उसके बाद मेरी 9 घंटे की रेस्ट है, तो अब 2 घंटे हैं, इसमें मेरे को गाड़ी भी खाली करनी है और कहीं बाहर जाके पार्किंग भी गाड़ी करनी है, तो भाई उम्मीद है कि अपनी गाड़ी फटाफट खाली हो जाए और यहाँ से निकल के कहीं पार्किंग मिल गए, नहीं तो भाई आज गड़बड़ हो जाएगी। भाई गाड़ी अब जाके खाली हुई है और जिस बात का डर था ना भाई वही हो गया, मेरा ड्राइविंग टाइम भाई खत्म हो गया है और मेरा देखिए अभी रेस्ट शो कर रहा है,
और भाई अब मुझे मेरी जैसे ना 9 घंटे की रेस्ट शुरू हो गई है, तो भाई अब रेस्ट ब्रेक करनी पड़ेगी और मुझे ओवरड्राइव करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे टैको से प्रिंट लेना पड़ेगा, क्योंकि यार भाई इन्होंने ना सब गड़बड़ कर दिया। ये देखिए मेरे पास 1 घंटे का ड्राइव टाइम था, लेकिन अभी वो ख़त्म हो चुका है। अब मेरी 8 घंटे की, देखिए 9 घंटे की रेस्ट शुरू हो गई है। मेरा देखिए ड्राइव टाइम ख़त्म हो गया है, जो मेरा शिफ्ट ओवरऑल टाइम होता है ख़त्म हो गया, मेरी यहाँ पे रेस्ट शो कर रहा है। तो अब मेरे को भाई ये अब प्रिंट लेना पड़ेगा टैको से। एक बार करते हैं भाई दरवाज़ा बंद और निकलते हैं फिर बाहर। भाई इस ट्रेलर में ना कोई दिक्कत है यार, भाई रात भर तो बढ़िया सफ़र निकल गया, बट यहाँ पर जब मैं पार्किंग कर रहा था ना भाई, यहाँ पर गाड़ी मेरी फंस गई। इसके ट्रेलर में ना ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक लग जाती है भाई, और गाड़ी फिर हिलती नहीं है। प्रेशर चेक किया भाई, प्रेशर बढ़िया था, और अपनी मैंने वायर्स को फिर से भाई अनप्लग किया, प्लग किया, बट भाई आधा घंटा लग गया, यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा सा। भाई यहाँ पर गाड़ी को फिर से ना 2-3 बार भाई मैंने इसके जो एयर पाइप्स हैं वो डिसकनेक्ट किए, फिर कनेक्ट किया, तब जाके कुछ हुआ। भाई इसमें ना बार बार ये हैंड ब्रेक पकड़ रहा है, अभी भी भाई ये हैंड ब्रेक पकड़ रहा है और मूव नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, कोई भाई फॉल्ट आ गया है ब्रेकिंग में, बहुत दिक्कत हो गई। अब ये भाई जैसे खड़ा हो गया ना, तो भाई अब इसमें ऑटोमेटिक जैसे हैंड ब्रेक ले ली तो ये हैंड ब्रेक रिलीज़ नहीं करता है। अब पता नहीं क्या दिक्कत है, एक बार गाड़ी भाई देखते हैं। गाड़ी तो अपनी खाली हो गई है, बस भाई इसको जैसे तैसे ना एक बार पार्किंग में लेके चलते हैं, फिर इसकी कंप्लेंट करते हैं, मैनेजर को अपडेट कर देते हैं कि यार ये बहुत दिक्कत कर रहा है। भाई अभी भी देखो यहाँ से निकलने के लिए भाई इसको 10 मिनट स्टार्ट करके फिर जाके थोड़ा थोड़ा करके आगे गया, इसकी पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें हैंड ब्रेक ऑटोमेटिक लग रही है और रिलीज़ नहीं हो रही है। तो दोस्तों भाई आज परेशानी छोड़ रही है भाई इस ट्रेलर की ना, 3-4 बार अभी फिर से मैंने एयर सॉकेट निकाले, फिर से प्लग किए। ये देखिए तो इसका एयर प्रेशर डाउन कर रहा है बार बार भाई, और इसके ना ट्रेलर की यार ब्रेक हैंड ब्रेक फंस गई है, वो रिलीज ही नहीं हो रही है भाई, दिक्कत हो गई है। अब देखता हूँ यहाँ से निकले तो मैं तो यहीं पर गाड़ी बाहर पार्क कर लूँगा भाई, क्योंकि एक तो अपना आज भाई रेस्ट ब्रेक हो गई है, ऊपर से ये गाड़ी आज दिक्कत कर रही है। रात भर बढ़िया सफ़र रहा है भाई यहाँ पहुँचने तक, यहाँ पता नहीं क्या हो गया इसको। तो गाड़ी खाली करके तो मैं वहाँ से निकल गया हूँ, और अब ढूंढ रहा हूँ भाई पार्किंग। मेरे को यहाँ पर भाई पुलिस वाले मिल गए थे चेकिंग के लिए, क्योंकि आज देखो किस्मत भी कैसी ख़राब होती है, आज ही ओवर ड्राइव कर रहा हूँ और आज ही पुलिस वाले मिल गए थे भाई। पर उसने ज़्यादा नहीं पूछा, उसने यही पूछा कि लोड है खाली है, 2-4 सवाल पूछ के उसने गाड़ी को जाने दिया। पहले तो उसने गाड़ी को साइड पे लगवा लिया भाई पूरी तरीके से, बट चलो अपनी किस्मत अच्छी थी भाई बच गए। अब आगे कहीं आ रही है भाई 2 किलोमीटर पार्किंग, बस अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करके ना पहले यार ये ट्रेलर की जो प्रॉब्लम है इसका कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, नहीं तो भाई ये तो हर कहीं दिक्कत करेगी, कहीं ट्रैफिक में या कहीं बीच रोड में। भाई दोस्तों गाड़ी फिलहाल एक गांव वाले रोड पे एक छोटा सा पंप मिला है भाई, यहाँ पर पार्क कर ली है। अब यहाँ पर पता नहीं ये पार्किंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो एक बार अंदर चलते हैं इनको पूछते हैं, क्योंकि यार भाई अब मैंने देखा आगे तक कहीं पेट्रोल पम्प नहीं मिल रहा है। अगर पेट्रोल पम्प वालों को पूछते हैं, अगर बोल देंगे तो भाई यहाँ पर गाड़ी लगा देंगे। भाई मुझे ना पीछे पुलिस वाले मिल गए थे, और मैंने भाई फटाफट अपना टैको से प्रिंट निकाला, क्योंकि भाई मुझे लगा कि आज चेक हो जाएगा और गड़बड़, क्योंकि टैको में भाई जो रीडर होता है ना टैको रीडर वो उसके हाथ में ही था। तो भाई जितने में वो पुलिस वाला मेरे पास पहुंचा ना पार्किंग में, उतने में मैंने प्रिंट निकाल दिया और उस पर अपना लिख दिया, रीज़न वगैरह लिख दिया, डेट वगैरह सब कुछ लिख ली थी। एंड फिर उसने बस पूछा ही कि कहाँ से आए हो, कहाँ का लोड था, एंड लिथुआनिया की गाड़ी है, बस 2-4 सवाल पूछ के ना फिर उसने पूछा कि भाई गाड़ी खाली है तो चलो आप जा सकते हो। तो भाई फिर सांस में सांस आई, मुझे लगा कि आज भाई पहली बार मैंने ओवरड्राइव किया और पहले दिन ही पेनल्टी पड़ जाएगी। तो पंप वालों से पूछने पे लग गया है पता, उन्होंने बोल दिया कि पार्क कर दो कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग फ्री है, आप गाड़ी लगा सकते हो। तो भाई फिलहाल के लिए गाड़ी यहाँ पे लग गई है, और भाई मेरे को ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अंदर से उनसे पूछा कि यहाँ पर आगे कहीं एक मार्केट है सुपर मार्केट, लेकिन भाई अब भी मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, और आज भाई ना सिर में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। एक तो भाई इस गाड़ी ने बहुत दुखी किया यार, वहाँ पे अनलोडिंग के टाइम पे भाई आधा 1.5 घंटा मेरा वेस्ट हो गया, और उसके बाद जब भाई गेट पे आया सिक्योरिटी चेक के लिए खाली करके, तो भाई वहाँ पर फिर से गाड़ी जाम हो गई और भाई पूरी गाड़ियाँ उनकी भी फंस गई। फिर से भाई एयर पाइप्स को डिसकनेक्ट किया, फिर कनेक्ट किया, फिर जाके भाई गाड़ी मूव हुई। तो भाई 2-4 बार करने के बाद ना फिर जाके कहीं गाड़ी मूव हो रही थी, बट चलो अपना काम हो गया, फिलहाल पहुँच गए बाकी सुबह का सुबह। गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल? दोस्तों शाम के 7 बज गए हैं और भाई मैंने यहाँ पर आराम कर रहा था, और ये कुछ हाल है अभी गाड़ी का। और भाई बाहर का मौसम, सामने धूप थी तो भाई थोड़ी गर्मी हो गई थी, फिर मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए। सो गाइस अभी सो के उठ रहा हूँ, कुछ खाने पीने का जुगाड़ करते हैं और फिर करते हैं आराम। मैंने जैसे आपको पता है कि यहाँ पर 9 घंटे की रेस्ट स्टार्ट कर ली है, और सुबह 4-5 बजे यहाँ से निकलेंगे,
फिलहाल मेरा टास्क है फ्यूलिंग का जो है पोजनान का, और फिर मुझे जाना है पोजनान बेस, जो हमारी कंपनी का पोजनान बेस है ना, अभी मुझे वहाँ जाना, वहाँ जाने का कुछ मैसेज आया है। चलो बढ़िया हो गया कि वहाँ पर जो भाई काम होगा वो भी हो जाएगा, और साथ में जो ये ट्रेलर प्रॉब्लम कर रहा है तो वो भी वहाँ पर और साथ में कुछ उनको बता के सॉल्व हो जाएगा। तो हमारी कंपनी का पोजनान पोलैंड में भी एक बेस है, जैसे श्योले में बेस है वैसे ही भी पोजनान में एक बेस है।